मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की स्टोरीज की तरफ। आज की पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक आदमी ने रेडिट पे शेयर की थी और काफी सारे लोगों ने स्टोरी को पढ़ा और पढ़ने के बाद यही सोचने लगे कि क्या रियलिटी में ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये स्टोरी एकदम मेडअप लग रही थी। तो ये कहानी सुनकर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। जिसने ये कहानी शेयर की थी उसने अपना रियल नेम तो नहीं बताया, लेकिन एक यूट्यूब चैनल के अंदर इस कहानी को सुनाया गया और उसका नाम मिच रखा गया, तो हम सेम नाम यूज करेंगे। मिच एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है और उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की से जिसका नाम होता है कायला। वो कायला को पहली नजर में देखते ही पसंद कर लेता है और वो ख्वाब सजाने लग जाता है उससे शादी करने के। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम ये होती है कि कायला उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। कायला का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है और टाइम के साथ साथ मिच उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाता है अपनी, वो कायला का दोस्त बन जाता है। पर टाइम के साथ साथ कायला की रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं, लेकिन मिच उसके ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता। वो इसी होप में रहता है कि एक ना एक दिन कायला उसके प्यार को जरूर समझेगी। और वो दिन फाइनली आ ही जाता है जब मिच कायला को प्रपोज करता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। 2 साल डेटिंग करने के बाद वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के कुछ टाइम बाद ही उनका पहला बच्चा पैदा होता है, जो कि होती है एक लड़की, बहुत खूबसूरत, एग्जैक्टली कायला की तरह। मिच अपनी बेटी और अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इतना ही नहीं, उसकी जॉब काफी अच्छी कंपनी में लग जाती है और वो बहुत ही अच्छा कर रहा होता है अपनी वर्क लाइफ में भी और अपनी फैमिली लाइफ में भी। धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और कायला दूसरे बच्चे को जन्म देती है जो कि होता है एक लड़का। मिच के लिए उसकी फैमिली सब कुछ होती है, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है अपनी फैमिली से। ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली होती है। मिच अपने काम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि उसकी बीवी को बाहर निकल के काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। वो घर पे रहती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपना घर संभालती है और बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है अपने हस्बैंड से। एक दिन मिच अपने लिविंग एरिया में बैठा होता है, काउच के ऊपर बैठ के आराम से टीवी देख रहा होता है। देखते ही देखते उसका ध्यान लिविंग एरिया में रखे एक लैम्प पे पड़ता है। वो लैम्प उसके लेफ्ट में रखा होता है और वो साइड आई करके उस लैम्प की तरफ देखता है। वो लैम्प कुछ अनयूजुअल सा लगता है उसको। वो लिविंग एरिया में नजर घुमाता है, बाकी सारी चीजें उसको एकदम ठीक लगती है, लेकिन वो लैम्प वो कुछ उसको ऑड लग रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो उस लैम्प की तरफ देखता है और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो लैम्प उसको ब्लर्ड दिखने लग जाता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई। फिर वो चेक करने के लिए दोबारा लिविंग एरिया में रखे सारी चीजों की तरफ नजर घुमाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि उसकी आंखें बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। जो भी प्रॉब्लम है वो उस लैम्प के साथ है। वो लैम्प स्क्वायर शेप्ड होता है और वो लाल कलर का होता है। वो अनयूजुअली ग्लो कर रहा होता है जिसकी वजह से मिच की सारी अटेंशन उस लैम्प की तरफ जा रही होती है। मिच काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है मैं पागल तो नहीं हो रहा, मुझे ये लैम्प इतना अजीब क्यों दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके टू हिज सरप्राइज वो लैम्प पूरा इन्वर्ट हो जाता है, वो हवा में उड़ के उल्टा हो जाता है, जिससे मिच बिल्कुल ही दंग रह जाता है और वो घबराने लग जाता है। उसको लगता है कि वो सच में पागल हो रहा है। उस लैम्प ने मिच का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रखा होता है। मिच पागल सा हो जाता है, वो पूरी रात जग के उस लैम्प को सिर्फ घूरता रहता है। उस लैम्प को घूरते घूरते सुबह हो जाती है और मिच काम पे भी नहीं जाता। इस लैम्प के चक्कर में मिच खाना छोड़ देता है और वो अपनी काउच से बिल्कुल भी नहीं उठता अंटिल उसे बाथरूम जाना हो। लेकिन धीरे धीरे करके वो पीना भी छोड़ देता है, वो खाना पीना दोनों छोड़कर सिर्फ अपने काउच पे बैठा रहता है और उस लैम्प को घूरता रहता है। और वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उस लैम्प के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मिच को पूरे 3 दिन हो जाते हैं उस लैम्प को घूरते हुए। उसकी बीवी जब ये चीज नोटिस करती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो मिच से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिच उसको पूरा अवॉइड कर देता है। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस लैम्प की तरफ होता है। मिच की इस हरकत से परेशान होकर उसकी वाइफ किसी को बुलाती है ताकि वो मिच से बात कर सके, मिच थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करे। लेकिन मिच किसी से भी बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उस लैम्प की तरफ घूरे जा रहा होता है।
धीरे धीरे करके उस लैम्प का साइज बड़ा होता जा रहा होता है और साइज के साथ साथ मिच का पूरा ध्यान उस लैम्प के ऊपर ही लगा होता है, जैसे आसपास की सारी दुनिया उसके लिए ब्लर सी हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ उस लैम्प की तरफ देख रहा होता है। वो लैम्प बड़ा होता जा रहा होता है और मिच उसको देखे जा रहा होता है। मिच की वाइफ पागल सी हो जाती है ये देख के कि मेरे पति को हुआ क्या है, वो क्यों इस लैम्प को घूरे जा रहा है। धीरे धीरे करके उस लैम्प को घूरते घूरते मिच अपने होशो हवास खो देता है, अब वो मूव नहीं कर पा रहा होता। ये चीज देखकर मिच की वाइफ एकदम फ्रीक आउट हो जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर चली जाती है ताकि उसके बच्चों को ये चीज विटनेस ना करनी पड़े जो उसके फादर के साथ हो रही थी। वो लैम्प बढ़ते 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 पूरे रूम का साइज लेने लग जाता है और मिच को वो लैम्प और ज्यादा ब्लर दिखता जाता है। इतने में ही काफी डिस्टेंस से वॉइसेस आने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग वॉइसेस। मिच समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, ये लैम्प बड़ा होता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, वो मूव नहीं कर पा रहा और ये आवाजें कहाँ से आ रही है। इतने में मिच को काफी ज्यादा इंटेंस पेन होने लग जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है वो एक वॉकवे पे पड़ा हुआ है और उसके आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। मिच समझ नहीं पाता उसके साथ ये हुआ क्या, वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाता है और पहली जो लाइन वो बोलता है वो कहता है मेरे दांत गायब है। इतने में भीड़ के अंदर से एक पुलिस ऑफिसर आता है, मिच को पकड़ता है, अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर डालता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। वो एम्बुलेंस का भी वेट नहीं करता, हॉस्पिटल जाके मिच का सिटी स्कैन वगैरह होता है और वो पुलिस ऑफिसर से डॉक्टर से सबसे यही सवाल कर रहा होता है मेरी बीवी और बच्चे कहाँ है। तो डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो कहते हमें नहीं पता, रियलिटी में मिच के कोई बीवी और बच्चे नहीं थे, एक्चुअल में वो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक्चुअल में मिच एक वॉकवे पे जा रहा होता है, उस टाइम पे एक गाड़ी आ जाती है सामने, उस गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी निकलता है। वो मिच से चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि मिच उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। इसके बाद वो आदमी मिच को बात करने का भी टाइम नहीं देता और वो इन नो टाइम उसके इतनी जोर से घूसा मारता है कि वो पास आउट हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। यानी कि मिच कुछ मिनट्स के लिए पास आउट होता है और उस कुछ मिनट्स के अंदर वो पूरे लाइफ के 10 साल जी लेता है। उस 10 साल की लाइफ में वो कॉलेज भी कर लेता है, वो अपनी बीवी से भी मिल लेता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है, काम भी कर रहा होता है और ये चीज उसके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है कि वो पूरे 3 साल अपनी बीवी और बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मिस करता है। उन बीवी बच्चों को जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो उनके लॉस को ग्रीव करता है, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वो थेरेपी सीक करता है और रातों को रोते हुए सोता है इस होप में कि शायद उसके बीवी और बच्चे उसको सपने में दिख जाएं। लेकिन उसको उसकी बीवी कभी भी सपने में नहीं दिखती उसके बाद से, पर उसका बेटा जरूर उसको दिखता है। आज भी उसका बेटा उसको सपने में दिखता है और अब वो 5 साल का हो चुका है, लेकिन उसका बेटा जब भी उसके सपने में आता है वो उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है जो मिच समझ नहीं पाता, उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। कितनी अजीब चीज है, एक इंसान जो कुछ मिनट्स के लिए पास आउट हुआ वो पूरे 10 साल जी गया और इतना ज्यादा इंटेंस उसको लगाव हो गया उन कैरेक्टर्स से जिनके साथ वो जी रहा था उन मोमेंट्स में कि वो 3 साल तक डिप्रेस रहा। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की स्टोरी थी। काफी लोगों ने ये भी कहा कि ये मेडअप स्टोरी है, ऐसा नहीं हो सकता, पर काफी लोगों ने ये भी बताया कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल इंसेप्शन मूवी की तरह थी। अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी होगी तो आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस स्टोरी से पता चलता है कि दिमाग कितनी ज्यादा स्ट्रेंज चीज है। तो आपका क्या कहना है स्टोरी के बारे में? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पता नहीं ये सच्ची थी या झूठी, लेकिन ये सच है कि दिमाग ऐसी चीजें करता है जो हमारे एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड होती है। 1997 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक साइकायट्रिस्ट ने अपने एक पेशेंट के बारे में एक आर्टिकल लिखा था। ये केस जो साइकायट्रिस्ट ने लिया था ये काफी ज्यादा यूनिक था, इतना ज्यादा यूनिक जब इसके बारे में आप सुनोगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा, आपको लगेगा शायद ये केस झूठा है, लेकिन ये 100% ट्रू था। तो ये कहानी है लंदन की 1984 की सर्दियों में, एक हेल्दी मिडिल एज्ड औरत अपने घर पे बैठकर आराम से किताब पढ़ रही थी। उस टाइम उसके साथ एक कुछ अनयूजुअल सी चीज हुई, उसको एक वॉइस सुनाई दी और वो वॉइस उसको कहती प्लीज डरना मत,
मुझे पता है तुम्हें शॉक लग रहा होगा कि मैं इस तरीके से तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कोई भी आसान तरीका नहीं मिला तुम्हारे तक पहुंचने का। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम किया करते थे और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जब ये वॉइस ब्रेंडा ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, ये आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। ब्रेंडा को कोई भी मेंटल इलनेस नहीं थी, ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, ना ही उसने ये आवाज कहीं बाहर सुनी थी और ना ही ये आवाज इससे पहले उसने अपने अंदर सुनी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, तो उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। वो काउच पे बैठ गई और वो ये बात सोचने लगी कि शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है और एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। इतने में ही उसके इस रिएक्शन पे उस वॉइस ने फिर से जवाब दिया और कहा, ब्रेंडा ये हेलुसिनेशन नहीं है, तुम कुछ भी इमेजिन नहीं कर रही हो, हम एकदम रियल है और हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। ब्रेंडा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ जब उसने इस आवाज को दूसरी बार सुना। उसे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया। पूरी रात वो वॉइस उसे सुनाई देती रही, लेकिन उसने उस वॉइस को कम्प्लीटली इग्नोर किया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते के साथ ही ब्रेंडा भागकर अपने डॉक्टर के पास गई और उसने अपनी सिचुएशन को समझाया। डॉक्टर भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि ऐसा कोई भी केस कभी भी उस डॉक्टर के पास नहीं आया था। तो डॉक्टर ने सीधा उसे एक साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर दिया। वो उस डॉक्टर के रेफर किए हुए साइकियाट्रिस्ट के पास गई। वहां पर जाकर उसने अपनी पूरी सिचुएशन बताई। ब्रेंडा के कुछ टेस्ट वगैरह रन किए गए और उसके साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। और इन दी एंड उसे डायग्नोस किया गया फंक्शनल हेलुसिनेटरी साइकोसिस से, जिसका सिंपल मतलब था कि ब्रेंडा हेलुसिनेट तो कर रही है बट इसका क्लियर रीजन नहीं है कोई भी। ब्रेंडा का काफी हफ्तों तक ट्रीटमेंट चला, उसे एंटी साइकोटिक ड्रग दिया गया और काफी ज्यादा उसकी काउंसलिंग हुई। ब्रेंडा की इस थेरेपी को काफी हफ्ते बीत गए और फाइनली वो वॉइसेस आना बंद हो गई। जब ऐसा हुआ तो ब्रेंडा खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी, वो फाइनली रिलीव्ड थी। वो भाग के अपने डॉक्टर के पास गई, उसने डॉक्टर को बहुत सारा थैंक यू बोला और डॉक्टर ने जब ब्रेंडा का रिएक्शन देखा तो वो समझ गए कि ब्रेंडा कुछ भी मेडअप नहीं कर रही थी, वो एक्चुअल में उसके साथ चीजें हो रही थी। और वो भी काफी ज्यादा खुश थे ये चीज देख के कि दवाइयों ने और थेरेपी ने फाइनली असर किया। वॉइसेस के बंद होने के बाद ब्रेंडा इतनी ज्यादा खुश थी कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से बाहर अपनी फैमिली को लेकर एक वेकेशन पे चली गई। लेकिन उन छुट्टियों में ब्रेंडा को वो वॉइसेस फिर से सुनाई देने लगी और उन वॉइसेस ने उसको कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वापस से लंदन जाओ, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और उन वॉइसेस ने उसको एक एड्रेस दिया। अब ब्रेंडा बहुत ज्यादा घबरा गई कि ये चल क्या रहा है, जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड को जाके पूरी सिचुएशन बताई। उसके हस्बैंड ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया। ब्रेंडा के कहने पर उसका हस्बैंड और फैमिली वापस लंदन लौट गए। वहां जाकर ब्रेंडा काफी ज्यादा टेंशन में थी, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि क्यों ना हम उस एड्रेस पे जाए जो एड्रेस हमें उन वॉइसेस ने दिया है। तो उसके हस्बैंड ने बोला, अरे तुम इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रही हो उन वॉइसेस को, शायद तुमने ठीक से मेडिकेशन नहीं ली होगी या कुछ और प्रॉब्लम हो रही होगी जिसकी वजह से वॉइसेस वापस आ रही है, इन्हें सीरियसली मत लो। तो ब्रेंडा को चैन नहीं पड़ रहा था और वो चाहती थी कि वो उस एड्रेस पे जाकर देखे। तो वो फाइनली अपने हस्बैंड को मना लेती है और वो दोनों उन वॉइसेस के दिए गए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो लोग खड़े होते हैं लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल के ब्रेन स्कैन डिपार्टमेंट के बाहर। ब्रेंडा काफी ज्यादा घबरा जाती है। इतने में उसको वॉइसेस फिर से सुनाई देने लगती हैं। वो वॉइसेस उसको बोलती हैं कि तुम्हारे दिमाग में या तो ट्यूमर है या फिर तुम्हारे दिमाग की कोई नस फूल रही है, तो तुम्हें अभी इमीडिएटली अंदर जाके स्कैन कराने की जरूरत है। ब्रेंडा काफी ज्यादा घबरा जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये वॉइसेस कहां से आ रही है और ये सब बातें मुझसे वॉइसेस क्यों कर रही है। तो ब्रेंडा क्या करती है, वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है और जाते ही डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मेरे ब्रेन का स्कैन कर दीजिए, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि आपको किस डॉक्टर ने यहाँ पे भेजा है, रेफरेंस दिखाइए। तो ब्रेंडा उनको कहती है कि मुझे यहाँ पे किसी भी डॉक्टर ने नहीं भेजा, मुझे यहाँ पर कुछ वॉइसेस ने भेजा जो मुझे काफी टाइम से सुनाई दे रही हैं और वो वॉइसेस मुझे कह रही हैं कि तुम अपने दिमाग का स्कैन कराओ क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर है।
तो डॉक्टर एग्जैक्टली उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते, वो ब्रांडो को बाहर निकलने को नहीं बोलते लेकिन उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेन स्कैन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है, तो बिना किसी डॉक्टर के रेफरेंस के हम आपके साथ ये चीज नहीं कर सकते। जिसके बाद ब्रांडा क्या करती है, वो अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करती है और उनको बताती है कि कैसे वेकेशन पे वो वॉइसेस फिर से वापस आ गई और उन वॉइसेस ने उसको ये एड्रेस दिया था जिसके बाद वो अब इस हॉस्पिटल में आके खड़ी है। तो वो अपने साइकियाट्रिस्ट को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये ब्रेन स्कैन कराना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइकियाट्रिस्ट अपना रेफरेंस दे देता है उन डॉक्टर्स को और ब्रांडा का ब्रेन स्कैन किया जाता है। ब्रेन स्कैन करने के बाद पता चलता है कि ब्रांडा के दिमाग में ट्यूमर है और जब ब्रांडा और डॉक्टर्स को ये बात पता चलती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा एक अनोखी सी चीज होती है। डॉक्टर्स ब्रांडा को बताते हैं कि कैसे उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर के कोई भी सिम्टम्स अभी तक नहीं आए हैं, उसके बावजूद उसके दिमाग में ट्यूमर कैसे निकल आया उनको समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स उसके आगे दो ऑप्शन रख देते हैं कि या तो तुम सिम्टम्स आने का वेट करो या फिर सर्जरी करा के इसको रिमूव कराओ, और ब्रेन सर्जरी कराना काफी ज्यादा रिस्की है तो तुम सोच लो तुम्हें क्या कराना है। तो ब्रांडा अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो सर्जरी कराएगी और वो सर्जरी कराती है। फाइनली उसकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल होती है और जब वो होश में आती है सर्जरी के बाद तब वो वॉइसेस दोबारा लौट के आती है उसके पास और वो वॉइसेस उसको कहती है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और हमें तुम्हारी हेल्प करके बहुत अच्छा लगा, गुड बाय। जिसके बाद से कभी भी ब्रांडा को वो वॉइसेस कभी भी सुनाई नहीं दी। वो लास्ट टाइम था जब वो वॉइसेस उसको सुनाई दी और आज तक पता नहीं चल पाया कि वो वॉइसेस कहां से आई थी, वो क्या थी और वो क्यों थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की ये दो स्टोरीज पसंद आई होंगी। ये दो छोटी छोटी स्टोरीज थी लेकिन इनके अंदर जो ट्विस्ट थे वो काफी ज्यादा यूनिक थे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों स्टोरीज को पिक किया और इस वीडियो में डाल दिया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं हर हफ्ते दो वीडियोस अपलोड करूंगी और मैं पिछले हफ्ते एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं वीडियोस को एकदम रेगुलर रखूंगी। सो या अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि क्या आप इन दोनों स्टोरीज पे बिलीव करते हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।